पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए योगेंद्र यादव द्वारा बनाई पार्टी स्वराज इंडिया की तरफ से गतिविधियां तेज कर दी हैं, जिसमें पहले चरण में 7 सदस्य कमेटी बना पंजाब के ढांचे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो साथ ही यादव ने कहा कि आप नीचे गिर रही है, तीसरी फोर्स के रूप में स्वराज इंडिया करेगी पंजाब में काम। साथ ही आप पर हमला बोलते हुए यादव ने कहा कि छोटेपुर को निकालने के लिए बहाने बनाए गए थे, अगर सबूत थे तो जनता के सामने क्यों नहीं रखे गए। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ आप पार्टी खुद को तीसरी बड़ी पार्टी बनाने में जुट चुकी है, तो वहीं आप छोड़ चुके योगेंद्र यादव द्वारा बनाई गई स्वराज इंडिया पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें पंजाब इकाई बनाने के लिए 7 सदस्य कमेटी गठित कर दी गई। तो साथ ही आप छोड़ चुके या अन्य दलों से निराश लोगों के साथ संपर्क शुरू कर दिया है, ताकि स्वराज इंडिया के साथ नेताओं को जोड़ा जाए, जिसमें पहले निशाने पर आप पार्टी है, जहां के दुख दर्द को भली भांति योगेंद्र यादव समझते हैं। अब इतना नजदीक है, ऐसे में शुरुआत करके ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि हम सोचें कि हम एक अलग से खड़े होके एक अलग ताकत बनाएंगे। वैसे भी हमारी जिम्मेवारी है कि पंजाब में एक सच्चा अल्टरनेटिव को मजबूत किया जाए, उसमें और टूटन पैदा हो और पंजाब के लोगों के लिए और कंफ्यूजन पैदा हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो उस थर्ड फोर्स के बाहर अलग से इलेक्शन लड़ना हमारे आज के विजन में नहीं है। योगेंद्र यादव ने आप पर चोट करते हुए कहा कि बहुत से वॉलंटियर आपके आज भी उनके संपर्क में रहते हैं, जो पार्टी से ट्रस्ट है, और इसीलिए जो लोग आपको छोड़ना चाहते हैं या फिर अन्य राजनीतिक दलों में फ्रंट से परेशान हैं, उन्हें स्वराज इंडिया फ्रंट देगा, जिसके साथ वो खड़े होंगे। साथ ही योगेंद्र यादव ने साफ किया कि स्वराज इंडिया अकेली चुनाव में नहीं उतरेगी, बल्कि डॉक्टर गांधी, सुच्चा सिंह, छोटेपुर इत्यादि तमाम नेताओं से संपर्क उनके साथ जोड़ेगी, जो गठबंधित ढांचा बना चुनाव में उतरेगी, और जहां गठबंधन सही समझेगी वहीं स्वराज इंडिया अपना उम्मीदवार उतारेगी। पंजाब में एक नया विकल्प बनाने और लोगों में उम्मीद जगाने के बाद आज आम आदमी पार्टी जो स्पेस खाली कर रही है, उसमें लोग फिर पलट के उसी कांग्रेस और उसी अकाली दल के पास जाने को मजबूर हो रहे हैं, जिन्हें वो पंजाब में बिल्कुल नहीं देखना चाहते। ऐसे में हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि पंजाब में एक सच्ची तीसरी ताकत खड़ी हो सके। आज उस सच्ची तीसरी ताकत को खड़ा करने के लिए डॉक्टर धर्मवीर गांधी के नेतृत्व में कई लोग काम कर रहे हैं। सुच्चा सिंह छोटेपुर जी अकाली दल से बाहर, आम आदमी पार्टी से बाहर आए हैं। उसके लिए पंजाब में लेफ्ट के आंदोलन, दलित आंदोलन, किसान आंदोलन, एक्स आर्मी मैन के संगठन, तमाम ताकतें हैं जिन्हें एकजुट करके पंजाब में एक नई तीसरी ताकत खड़ी करने की जरूरत है। इसके लिए कोशिश हो रही है, हमारी उम्मीद है कि वो ताकत जल्द ही पंजाब की जनता के सामने एक इलेक्टोरल अल्टरनेटिव के रूप में सामने आएगी, और जब ऐसा होता है तो हम स्वराज इंडिया के साथ ही उसके हिस्से के रूप में अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए, बिना ये देखे कि हम कितना इलेक्शन लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, क्या जिम्मेवारी बनती है, बिना उसकी तरफ निगाह दिए स्वराज इंडिया के लोग उसमें अपना, इस बड़े हिस्टोरिकल काम में अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। आपके आज के चल रहे हाल पर यादव ने कहा कि जिस कदर पार्टी कहीं अपने आप को ऊंचा कर सकती थी, तो वहीं आज गिरते हुए रॉकेट की तरह गिर रही है, जिसमें पार्टी अपना आधार खोती जा रही है। और जिस तरह से सुच्चा सिंह छोटेपुर को निकाला गया, उसमें सवाल खड़े करते यादव ने कहा कि जो पार्टी में सर उठाता है उसे निकाल दिया जाता है। मुझे अभी यही लग रहा है कि इलेक्शन के नजदीक कोई नई पॉलिटिकल फोर्स या तो बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ती है या वो रॉकेट की तरह ही नीचे गिरती है। आम आदमी पार्टी का पिछले 3-4 महीनों में जो हाल हुआ है वो यही है, पहले रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ी और अब रॉकेट की तरह नीचे आ रही है। बिल्कुल वैसा ही पीपीपी के साथ हुआ था, और मुझे लगता है पीपीपी वाले रास्ते पे आम आदमी पार्टी जा रही है, जिसका मतलब है कि पंजाब में जो सच्चा अल्टरनेटिव आने की उम्मीद लोगों ने पाली थी, उस उम्मीद पे ठेस पहुंच रही है, और इसलिए एक सच्ची थर्ड फोर्स को क्रिएट करना हम सबकी जिम्मेवारी है। स्वराज इंडिया बेशक अपने उम्मीदवार अकेली चुनाव में नहीं उतारेगी, तो वहीं खुले शब्दों में बेशक नहीं, लेकिन जिस तरह
आपको सीधा निशाना बना रही है। ऐसे में तो हो सकता है कि कई नेता आपसे स्वराज की तरफ कुछ करें, लेकिन जिस तरह आप खुद को पंजाब की बड़ी पार्टी के रूप में दिखा रही है, उसमें लगता है कि योगेंद्र यादव विभीषण के रूप में जो आपके दांव पेच भली भांति जानते हैं, आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। आज हमने स्वराज इंडिया की तरफ से एक पंजाब के लिए प्रिपरेटरी कमेटी की घोषणा की है। प्रिपरेटरी कमेटी के अध्यक्ष हमारे प्रेसिडियम के मेंबर श्री राजीव गोदारा जी होंगे। इस कमेटी के कन्वीनर हमारे साथी समीर मल्होत्रा जी होंगे। से 7 मेंबरी कमेटी अगले 2 हफ्ते में पंजाब में दौरा करके संगठन को आइडेंटिफाई करेगी और हम संगठन की स्ट्रक्चर की घोषणा 2 हफ्ते के अंदर करेंगे, ताकि इस आने वाले चुनाव में, लेकिन उससे भी ज्यादा इस आने वाले चुनाव के बाद, पंजाब में एक सच्चा और पुख्ता अल्टरनेटिव पेश किया जा सके। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।